Good morning, students. Today I am going to explain the rest part, and this one is the last part of the chapter. Madam rides the bus. Madam rides the bus. When the bus stopped at the city bus stand, the conductor asked her Wali to get off, but she didn't. She told him that she was going back on the same bus. जब कंडक्टर बोला कि बस स्टॉप है, यहीं लास्ट है, तुम उतर जाओ, तो वाली बोली कि नहीं, मुझे उतरना नहीं है, मैं इसी बस से वापस जाना है, मुझको नीचे उतरना नहीं है, कहीं जाना नहीं है. He was surprised and asked her why she had come to the city. कंडक्टर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे लड़की आखिर शहर क्यों आई, जब इसको कहीं घूमना नहीं था, कुछ खरीदना नहीं था, आश्चर्य हुआ उसको, आखिर आई क्यों शहर. सी रिप्लाइड दैट सी जस्ट वॉन्टेड टू टेक अ राइड ऑन द बस. वाली बोली कि मुझे तो सिर्फ बस पर चढ़ना था, बस पर चढ़ के यात्रा करना था, मेरा मकसद बस इतना ही था. ही आस्क्ड वाली इफ सी वुड लाइक टू हैव अ लुक एट द साइट आउटसाइड द बस. वो बोला कि अच्छा ठीक है, बस से बाहर उतर कर तो कुछ देख लो, उतर कर और यहाँ क्या क्या है यहीं से तुम देखो. वाली सेड दैट सी वाज अफ्रेड ऑफ दैट. वाली बोली कि नहीं, मुझे बड़ा डर लग रहा है नीचे उतरना, इतना भीड़ भाड़ में मुझे उतरना नहीं है, मुझे डर लग रही है. ही आस्क्ड टू हैव अ कोल्ड ड्रिंक. सॉरी, यस, कंडक्टर आस्क्ड टू हैव अ कोल्ड ड्रिंक. कंडक्टर कहा कि अच्छा कोल्ड ड्रिंक पियोगी, कोल्ड ड्रिंक लो, खरीदा लग लो, कोल्ड ड्रिंक पियो. वाली सेड दैट सी डिडंट हैव enough money for that. वाली बोली कि नहीं, मेरे पास अधिक पैसे नहीं हैं इसके लिए, मुझे तो सिर्फ किराया भर है, किराया जितना है अप डाउन उतना ही पैसा है. द कंडक्टर ऑफर्ड टू पे फॉर हर ड्रिंक बट वाली डिडंट एक्सेप्ट द ऑफर. कंडक्टर बोला कि अरे पैसे की चिंता मत करो, मैं पैसा दे रहा हूँ, तुम पियो. लेकिन वाली एक्सेप्ट नहीं की, बोली कि नहीं नहीं आप पीजिए, मुझे नहीं पीना है. द बस रिज्यूम्ड इट्स रिटर्न जर्नी. उसके बाद बस अब रिटर्न के लिए समय हो गया रिटर्न होने का. देयर वेयर द सेम वंडरफुल साइट. फिर उसे उसी तरह का बड़ा ही आश्चर्यजनक साइट उसको दिखाई दिया वाली को. वाली एंजॉयड द सीन अगेन. फिर सीन को एंजॉय करने लगी. बट सडनली सी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाई द रोड साइड. रास्ते में जब आई तो देखी की साइड रोड के बगल में एक गाय मरी पड़ी हुई. इट हैड बीन स्ट्रक बाई अ फास्ट मूविंग व्हीकल. यह किसी तेज गाड़ी के धक्के से वो मर चुकी थी. सी आस्क्ड द कंडक्टर इफ इट वॉज द सेम काउ दे वेयर अर्लियर, दे सॉ अर्लियर. वाली पूछी कंडक्टर से, अच्छा ये बताइए जो उस समय आते वक्त जो गाय सड़क पे दौड़ रही थी, क्या वही गाय है क्या जो मरी है. द कंडक्टर नॉडेड. कंडक्टर बोला कि नहीं, कि कोई दूसरी गाय. वाली बिकेम सैड. वाली को बहुत उदास हो गई. इट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल एगो. अच्छा ओ, कंडक्टर बोला कि हाँ वही है. बड़ा दुख हुआ कि अरे कितनी ये गाय उधर से आ रही थी, कितनी खुशी से दौड़ रही थी, कितना सुंदर लग रही थी. बट नाउ द काउ वाज विदाउट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ. लेकिन अब बिल्कुल बेचारी मर गई है, अब इसमें जान नहीं है, कितना बेसहारा लग रही है. बहुत दुखी हुई ये सीन देखकर वाली. द बस मूव्ड ऑन. बस आगे बढ़ी. द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड वाली. अब मरी हुई गाय का सीन इसके दिमाग में घूम रहा था. सी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू सी आउट ऑफ द विंडो. अब इसकी इच्छा नहीं हुई बाहर देखने की. वो दुखी हो गई. सी केप्ट सिटिंग ऑन हर सीट अनटिल हर विलेज केम. और अपने सीट पर बैठी रही जब तक गांव नहीं आया. सी गॉट डाउन एंड विश्ड द कंडक्टर टू सी हिम. उसके बाद गांव आया, कंडक्टर को बोली कि रुक जाइए, मुझे यहीं उतरना है, और वहां उतर गई. द कंडक्टर स्माइल. उसके बाद कंडक्टर मुस्कुराया.
He told Wally that whenever she felt like riding the bus, she could come and join them. Conductor बोला वाली से कि ठीक है, जब कभी भी तुमको बस की यात्रा करने की इच्छा हो तो तुम बस में आ जाना. वाली रिच्ड होम, वाली घर पहुंची. सी फाउंड हर मदर वॉज अवेक. वो देखी कि माँ जग गई है. सी वॉज टॉकिंग टू हर आंटी हु लिव्ड इन साउथ स्ट्रीट. और एक आंटी से बात कर रही थी, जो आंटी साउथ स्ट्रीट में रहती थी, उनसे इसकी मम्मी बात कर रही थी. सी वॉज अ चैटर बॉक्स. आंटी जो थी बहुत बातूनी थी, बहुत बोलते रहती थी. सी आस्क्ड वाली वेयर सी हैड बीन. अब वाली से पूछी आंटी कहाँ गई थी तुम, अभी आ रही हो. बट वाली जस्ट स्माइल. लेकिन वाली कुछ बोली नहीं, सिर्फ मुस्कुराई. हर मदर एंड आंटी वेयर डिस्कसिंग द थिंग्स आउटसाइड द वर्ल्ड. इसकी मम्मी और आंटी जो थी बाहरी दुनिया के बारे में बातें कर रही थी. हर मदर सेड दैट नो वन कुड नो एवरीथिंग. माँ बोली कि आंटी से कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में सब कुछ नहीं जानता है. एट दिस ईश्वर वाली रिमार्क दैट देयर वेयर मेनी थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज. ईश्वर वाली बोली कि हाँ माँ, बिल्कुल सही करी हो कि बहुत ऐसे चीज हैं जिस पर हमें, हम लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं है, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, कोई नॉलेज नहीं है. हर मदर आस्क्ड व्हाट शी मीन. माँ पूछी अरे तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है. वाली जानती कॉल्ड हर ए चीट ऑफ ए गर्ल. उसको बोली कि अरे तुम चीट कर रही हो. आंटी बोली सी टुक इंटरेस्ट इन थिंग्स विच डिड नॉट कंसर्न हर. वो बोली कि अरे तुम बीच में ऐसी बातों, हम लोग के बातों में पड़ गई जिसे तुमको कुछ भी लेना देना नहीं है. सी बिहेव्ड एज इफ सी वेयर ग्रोन अप लेडी. अरे ऐसी बात कर रही जैसे कि लग रहा है कि ये ग्रोन अप है, एक वयस्क औरत है ये. वाली स्माइल्ड टू हरसेल्फ. वाली मुस्कुराई उनकी बातों पर, आंटी के. आज सी डिडेंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल. लेकिन ये लोग उसके मुस्कुराहट के बारे में पूछी भी नहीं कि आखिर क्यों मुस्कुरा रही हो. इन दिस वे दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ. थैंक यू.